आज हम बात करेंगे जो है मोस्ट एडवेंचरस बाइक, जो कि हिमालयन का नया वर्जन 450 आ रहा है। तो अभी ये ट्रायल के दौरान फिर से एक बार देखी गई है, जिसके चारों तरफ जो है इन्होंने बंद कर रखा है, ताकि जो है डिजाइन दूसरी कंपनी कॉपीज ना कर पाए, क्योंकि इसकी डिजाइन बहुत ही यूनिक होने वाली है और जो है बहुत ही अच्छी बाइक आने वाली है ये इंडिया के अंदर एडवेंचर मॉडल। ये जो फर्स्ट लुक आपको दिख रहा है, जो पावर ड्रिफ्ट की तरफ से है, ये इसमें दिखाया गया है कि ये एलईडी सेटअप है इसका, इंडिकेटर और हेडलाइट, और इसका जो मीटर कंसोल है वो भी हमारा फुल डिजिटल है। तो इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो कि अभी पिछली बाइक्स में जो हिमालयन 411 थी उसमें नहीं देख पा रहे थे, इसमें सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। और इसमें स्पोक व्हील मिलेगा आपको, और डाउन साइड जो है आपको इसके शॉकर मिलेंगे। ये काफ़ी टाइम पहले, जो लगभग 1 साल पहले, ये चेन्नई के आसपास जो इसकी टेस्टिंग चल रही थी, जिसमें कि मिटियोर 650 और हिमालयन 450 दोनों का टेस्टिंग चल रहा था। तो मिटियोर तो लॉन्च हो चुकी, मगर अब जो नंबर है वो हिमालयन 450 का है। और जैसे ही ये प्रोडक्शन मोड पे आ जाती है, तो लगभग लगभग जो दिख रही है बाइक वो प्रोडक्शन मोड वाली ही दिख रही है, लगभग लगभग फाइनल हो चुकी है इसे। जैसे कि ये पहाड़ों में भी इसे बहुत सारी ट्रायल ली गई है, ताकि कोई फेल ना हो। और ये दो राइडर जो बैठे हुए हैं, ये भी पहाड़ों के किसी एरिया में हैं, जहाँ इसकी बहुत ही इस समय तेजी से टेस्ट राइडिंग चल रही है, जिससे जो भी हमारे एडवेंचर्स लवर हैं उनको कोई प्रॉब्लम ना आए, जो कि पहले रॉयल इनफील्ड ने गलतियाँ की थी वो ना हो पाए। तो इस वजह से ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि इसे लोग लेह लद्दाख, स्पीति, ऐसी जगह ले जाने के लिए ही खरीदेंगे। जैसे कि इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी बर्फीले एरिया में जो है हिमालयन 450 वो परफॉर्म कर रही है। तो ये सब चीज़ें देखते हुए इसको हर एक टेरेन में जो है वो इसको आजमाया गया है। तो लगभग लगभग ये मेरे ख्याल से जो इसकी डेट ऑफ जो है रिलीज होगी, जो कि आ जाएगी, वो तकरीबन सितंबर से अक्टूबर में आ जाएगी। और इसका जो प्राइस होने वाला है वो एक्स शोरूम होगा 2,50,000 से 2,70,000 के बीच में, और ये ऑन रोड हमें पड़ जाएगी करीब 2,20 से 2,30 के करीब।